कहाँ कहाँ पे चेक करना है। तो अभी पहले में अब में कितना डिफरेंस आ गया आप में? सीपीयू रिवॉल्व कौन कौन कर ले रहे? 4G आराम से, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड खोल ले रहे? किसी से डैमेज तो नहीं हो रहा ऐसी? पहले भी यहाँ आने से पहले भी आप लोग कर रहे थे होंगे, और अब में कितना डिफरेंस आ गया? ये भाई साहब का बताओ भाई, सम्राट, सम्राट है ना आपका नाम? ये देखो कितना अच्छा बना है, इनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैप्स। वाह, देखो ये देखो भाई कितना अच्छा बना है, कितना नीट बना है। ये आप पहले आता था आपको बनाने? यहाँ भी बनाए, यहाँ भी बनाए। ये देखो कितना फेयर नोट्स बनाए हैं, सीपीयू मास्टर वगैरह कंपोनेंट बनाए सीरीज पैरेलल। तो ये जो कहाँ सीखे भाई आप, थोड़ा सा बताओ। कहाँ से आप वैसे? कलकत्ता से। ये डायग्राम वगैरह ये बनाना जरूरी है कि नहीं है बताओ? बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। पहले हमको कुछ नहीं पता था, अभी जाके देखो। बहुत सारे बच्चे सोचते खाली आईसी निकालूं, आईसी डाल, दिख रहा? ये मेहनत करे, ये चीज आपको दिखाना है कि बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं रात में यहाँ पे। ये रात में बनाए ना इंस्टीट्यूट में, तो बिठा के नहीं बनाए? आप कहाँ से वैसे? उड़ीसा से। ठीक है, और कोई है फेयर नोट बनाए तो इसमें साथ में लाए? थोड़ा सा बादशाह भाई इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप करो भाई एक बार। देखो इतना एज में होके भी आए, बहुत बड़ी बात है। इतना एज में आए, चीज़ को समझ रहे, डायग्राम भी बना रहे, रात में बना रहे। ये देखो भाई फेयर नोट्स बना रहे, ये देखिए। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव क्लास बता रहा हूँ हमारी, जो कि 10 दिन की एडवांस क्लास है, जो कि MCA मास्टर कोर्स इन एडवांस है, जो कि हम 10 दिन में बच्चों को सिखाते हैं। और इनका पांचवा दिन हो चुका है दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 डेज हो चुके हैं इनके, और 5 दिन में इन्होंने क्या क्या सीखा है और इनका एक्सपीरियंस कैसा है हम ये इस वीडियो में बताने वाले, देखिए आप। और ये जो कोर्स है फ्रेंड्स एडवांस बच्चों के लिए, जो पहले से काम कर रहे हैं 4 साल से 2 साल से या 3 साल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनको लाइन ट्रेसिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है या फॉल्ट को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है। छोटे छोटे आईसियां तो आप रिवॉल्व कर लेते हैं, पावर या फिर RFIC वगैरह, लेकिन आपको सीपीयू पे काम करने नहीं आ रहा है, ब्लैक पेस्टेड खोलने नहीं आ रहा है, डुअल लेकर खोलने नहीं आ रहा है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 5 सितंबर से हमारा नेक्स्ट MCA कोर्स है, जो कि 10 दिन का होता है, जिसमें लिमिटेड चार्ज हमने रखा है। तो आप अगर आप चाहें तो इस कोर्स की डिटेल आप नीचे व्हाट्सअप का नंबर आपको दिया गया है, किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा जो रेगुलर बैच चलता है बेसिक टू एडवांस, जिसके अंदर हम 20 दिन में पूरा 0 to Hero, मतलब बेसिक से के पूरा एडवांस लेवल तक उनको सिखाते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे MMC प्रोग्रामिंग हो, सब कुछ हम सिखाते हैं। अगर आप चाहे तो ये वाला कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर फ्रेशर बच्चे ज्वाइन करते हैं, जिसको हम कंपोनेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीमीटर की चेकिंग, IC रिबॉलिंग से स्टार्ट करके उनको लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, सर्किट डायग्राम सब कुछ सिखाते हैं। रहने के लिए इसमें रूम फ्री होता है और आपको खाना अपनी तरफ से होता है, और इसमें भी हमने बहुत कम फीस रखी है। इंडिया में अगर हमारा जो कोर्स है फ्रेंड, इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 100+ टॉपिक्स है, लेकिन हमने फीस बहुत कम रखी है, और पूरा एडवांस लेवल का कोर्स है। और बहुत ही जल्द आप हमारा वेबसाइट देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं phonefixhyd.com। इसमें हम ऑनलाइन का और सपोर्ट भी लेके आने वाले हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम लेके आने वाले हैं कि बच्चे को कॉल भी करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको इंटरनली सॉल्यूशंस मिल जाएंगे वहाँ पे। इस वेबसाइट पे अगर आप विजिट करेंगे, अभी इस पे काम चल रहा है, बहुत ही जल्द मैं लॉन्च करने वाला हूँ phonefixhyd.com। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक हमारा नया वेबसाइट आने वाला है, जिसमें हमारे पुराने स्टूडेंट को भी सपोर्ट मिलेगा, नए स्टूडेंट को भी सपोर्ट मिलेगा, और जो GSM फील्ड से है, बहुत सारे लोग जुड़ के रहते हैं, उनको भी इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो आप जुड़ सकते हैं PhonePhix हैदराबाद की टीम के साथ। अगर अपने आप को अपडेट करना है, अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाना है, तो आज ही जुड़िए PhonePhix हैदराबाद की टीम के साथ। कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए और कोर्स का डिटेल ले लीजिए, और अपने आप को अपडेट करिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए, जुड़े रहिए PhonePhix हैदराबाद टीम के साथ। इस तरह के और भी वीडियोज देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो नया अपलोड हो तो इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए थोड़ा आगे आओ, चलो तुम ही यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करो, ये क्या है, कौन सा सेक्शन देख रहे हैं अभी? थोड़ा इधर हो, कौन सा सेक्शन देख रहे हैं अभी अपन? इधर थोड़ा ऐसा
कौन सा है? बक सप्लाई। जो कहाँ से जनरेट हो रहा है हमारा ये? कौन सा आईसी से? पावर आईसी। पावर आईसी से। और जा कहाँ पे रहा है, कौन से सेक्शन में जा रहा है, वो अपन देख रहे हैं अभी। हाँ। तो इसमें जो सप्लाई देख रहे हैं अपन, यहाँ पे लिखे अपन क्या लिखे, थोड़ा जोर से बस। बक है नहीं, ये S1, S2, S3 जो के स्विचिंग सप्लाई रहती है हमारी, SMPS सप्लाई बोलते हैं इसको, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, ठीक है। इसको बक सप्लाई भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, कोई इसको कोर सप्लाई भी बोलते हैं, नाम अलग अलग है, अपन ऑलरेडी लिख लिए, ठीक है। कोर सप्लाई हो गई, APC सप्लाई हो गई हमारी, लोअर LDO, हायर LDO, देखे ना अपन, लोअर LDO कितना से कितना रहता अपने को मालूम हो गया, हायर LDO कितने से कितना वोल्टेज रहता वो भी मालूम हो गया अपने को, ये चीज़ हो गया। और ये बनती कब वो भी लिखा दिया मैं आप लोगों को, बताना नहीं है बस बोलना है। अब मेरे को आप ये बताओ, यहाँ पे S4 बोल के लिखे, क्या लिखे? S4. कितना वोल्टेज आ रहा है S4 पे? 2.05। ये कैसे मालूम हुआ वहाँ पे 2.05 आ रहा है और वो S4 की सप्लाई है, कहाँ से मालूम हुआ? डायग्राम से। बताओ डायग्राम से, ये थ्योरेटिक बोल के देखना है। 804 तो फिर इधर बताओ, इधर इन्होंने सर्च कर रहे हैं, 804 जो कि 2.2 माइक्रोहेनरी का ये है ना हमारा कॉइल है ठीक है, तो उसमें 2.05 का वोल्टेज बन रहा है, वीरेज S4 साफ साफ लिखा हुआ है। वेरी गुड, वोल्टेज रेगुलेटर साफली लिखे हुआ है। हाँ। आगे पढ़ो वो क्या है, लोअर LDO है, हायर LDO है, क्या है, उधर LCD में बताओ थोड़ा सा, पावर उधर बताओ, LCD पावर फॉर हाई वोल्टेज वहाँ पे बताओ, पावर फॉर हाई वोल्टेज LDO थोड़ा आगे जाके लाइन कहाँ पे बताओ, उधर LCD में बताओ, आगे जाओ और इधर देख के बताओ कहाँ पे है ये। हाँ, कितना वोल्टेज आ रहा है? 2.05। और ये किस चीज़ के लिए है? हायर LDO के लिए। किसके लिए? तो हायर LDO में हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है? 2.05 के ऊपर, वो अपन अभी देखेंगे अभी। और इसके अलावा एक और सप्लाई यहाँ पे लिखे थे आप, इधर S1 का, क्या लिखे? S1 कितना आ रहा है S1 पे? 1.4। अब ये किस चीज़ के लिए सप्लाई है, थोड़ा सा बताओ ये भी। ये है हमारा MSM मॉडम के लिए 1.25 वोल्ट बना रहा है। ओके, 1.0 माइक्रो हेनरी का हमारा कॉइल लग के, ये कहाँ मिलेगा कॉइल अपने को? पावर के पास, पावर आईसी के पावर के पास जस्ट बाजू में। तो MSM मॉडम बोले तो ये कौन सा सेक्शन हो गया? नेटवर्क कौन सा हो गया भाई? क्या पहले मालूम था क्या आप लोगों को, यहाँ आने से पहले नहीं मालूम था मॉडम के लिए कौन सा जा रहा, कोर सप्लाई क्या है, लोअर LDO क्या है, हायर LDO क्या है, कितने वैल्यू का कॉइल रहता है, कितने वैल्यू का रजिस्टर रहता है, यहाँ आने से पहले मालूम था क्या आप लोगों को? अभी आज कितने दिन हो गया भाई? 5 दिन हो गया। कितने दिन? 5 दिन। आप कहाँ से है वैसे? रांची, झारखंड। झारखंड से। अभी 5 दिन में कितना डिफरेंस आ गया तुम्हारे अंदर, पहले में अभी में? ईमानदारी से बताना, पैसे तो नहीं दिया ना मैं बोलने के लिए, जो दिल को लगा वही बताना भाई, 5 दिन में क्या क्या काम कर लिए, कितना डिफरेंस आ गया? बहुत डिफरेंस आ गया, पहले ब्लैक पेस्टेड निकालने में बहुत डर लगता था, अभी पूरा क्लियर हो गया। IC रिवॉल्विंग बताओ कैसा हो रहा है? रिवॉल्विंग पहले से भी था, अभी और आकर के थोड़ा परफेक्ट एक बार में हो जा रहा है अभी। अच्छा, सागर सर कैसा सिखा रहे, थोड़ा सा बताओ। कैसा हैंड स्किल वगैरह कैसा है? स्किल सर बताने का बहुत अच्छा टेक्निक है, वहाँ पे इजिली हो जा रहा, इजिली। क्या बोलना चाहेंगे सागर सर को, कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी देखो बहुत सारे बच्चे देख रहे हुए, आप भी यहाँ पे किसी को देख के आए। हाँ। तो वो बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? बस ऐसा, मतलब क्या? बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसा बोलो, अभी सर्किट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कैसा पढ़ा रहा हूँ थोड़ा ये भी बताओ। सही है, वो भी सही है, सारा चीज क्लियर समझ में आता है, पूरा एक बार समझ में नहीं आता दूसरे बार भी पूछते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी जो अपन डायग्राम ऐसा बना रहे हैं, पहले से तो नहीं बना दिए? नहीं, एक एक चीज अपन सामने से ही बना रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्शन हो, शुरुआत आपके सामने मैं भी ड्रा कर रहा हूँ, आप लोगों से ही बना रहा हूँ। रात में फेयर नोट्स भी बना रहे हैं आप? कहाँ हैं थोड़ा बता सकते हैं? वहीं से साथ में लेके आओ भाई, ठीक है। और कोई है फेयर नोट्स बनाए तो इसमें साथ में लाए, थोड़ा सा बादशाह हुआ इनके लिए, एक बार जोरदार क्लैप्स करो भाई एक बार। देखो इतना एज में होके भी आए, बहुत बड़ी बात है, इतना एज में आए, चीज़ को समझ रहे, डायग्राम भी बना रहे, रात में बना रहे, ये देखो भाई फेयर नोट्स बना रहे, ये देखिए कितना अच्छा बना रहे, ये फास्ट चार्जिंग बनाई क्या? ठीक है। और आपका भाई फेयर नोट्स वाले कौन से भाई साहब? ये देखो इधर बताओ भाई, ये देखो भाई कितना अच्छा बनाए, इन्हों फास्ट चार्जिंग बनाए, DC to DC बनाए, दिख रहा? ये मेहनत करे, ये चीज़ आपको दिखाना है कि बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं रात में यहाँ पे, ये रात में बनाए ना, इंस्टीट्यूट में तो बिठा के नहीं बनाए नहीं। आप कहाँ से है वैसे? उड़ीसा। उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा में कहाँ से? बालासुर। बालासुर। अच्छा, इतनी दूर कैसे आ गए फोन फिक्स?
यूट्यूब में देख के आए। अच्छा अच्छा, जो सोच के आए थे मिल रहा है। ये भाई साहब का बताओ भाई, सम्राट सम्राट है ना आपका नाम। ये देखो कितना अच्छा बनाए भाई, इनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैप्स। वाह, देखो ये देखो भाई कितना अच्छा बनाए, कितना नीट बनाए। ये आप पहले आता था आपको बनाने? यहाँ भी बनाए, यहाँ भी बनाए। ये देखो कितना फेयर नोट्स बनाए इन्होंने, सीपीयू मास्टर वगैरह कंपोनेंट बनाए सीरीज पैरेलल। तो ये जो कहाँ सीखे भाई आप, थोड़ा सा बताओ। कहाँ से आप वैसे? कलकत्ता से। ये डायग्राम वगैरह ये बनाना जरूरी है कि नहीं है बताओ? बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। और पहले हमको कुछ नहीं पता था, अभी जाके देखो। बहुत सारे बच्चे सोचते खाली आईसी निकालूं आईसी डालूं, तो क्या इसके बगैर बन सकता मोबाइल आपका? एकदम ही नहीं बन सकता। एक रजिस्टर अगर हटा दें, एक कैपेसिटर हटा दें, तो लाइन क्या हो जाएगा आपका? काम करेगा क्या मोबाइल? तो ये नॉलेज जरूरी है कि नहीं है भाई? आप कोलकाता में कहाँ से? बैरकपुर। कोई आना चाहे उसको क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? आराम से आ जाओ, अगर कुछ सीखना है तो एडवांस होना तो आराम से आ जाओ। आप जो सोच के आए थे मिल रहा? हाँ, आपके चेहरे की हंसी तो बता रही भाई कि कुछ भी नहीं मिलता तो आदमी नाराज होकर ऐसा रोती सूरत बना लेते हैं ऐसे। सब लोग देखो इतने दिन हो गया, कितने दिन हो गया अभी? 5 दिन। ऐसा तो नहीं हो रहा आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे करा रहे? टीचर टाइम पास करा रहे, गाने लगा के। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसे ही रहता, कबीर सिंह के गाने देखो इंजॉय करो, ऐसा तो नहीं कर रहे ना? एक एक मिनट आपके साथ रह रहे कि नहीं रह रहे? टीचर छोड़ के तो नहीं चले जा रहे? बाकी टूल्स वगैरह सब दे रहे आपको? कोई चीज की कमी तो नहीं है? पीपीटी नहीं दे रहे, थीनर नहीं दे रहे, लाइटा बंद कर दे रहे, ऐसा तो नहीं है? सुबह कितने बजे से चल रहा क्लास हमारा? 10 बजे। रात में? 8:30-9 भी बज जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जो मोबाइल यहाँ पे बना के बता रहे हैं, इंस्टीट्यूट के है कि आपके लोगों के हैं? लाइव आप लोगों के ही बनाने के बता रहे हैं आपको कि कैसा फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। पहले से लेके ट्रेस तो नहीं कर ले रहे? बहुत सारे जगह ऐसे ही चलता, हम लेके रख लेते हैं बाद में बताते। लाइव लेके बता रहे कहाँ कहाँ पे चेक करना है। तो अभी पहले में अब में कितना डिफरेंस आ गया आप में? सीपीयू रिवॉल्व कौन कौन कर ले रहे? 4G आराम से, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड खोल ले रहे? किसी से डैमेज तो नहीं हो रहा ऐसी? पहले भी ये आने से पहले भी आप लोग कर रहे थे होंगे, और अब में कितना डिफरेंस आ गया? फर्क हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से काम कर सकते हैं ना अभी जाके? डायग्राम की नॉलेज भी ले रहे हैं आप, हैंडी स्किल का काम भी सीख रहे हैं, खाली आपको प्रैक्टिकल करा दे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बोल रहे हैं कि डायग्राम वगैरह कुछ लाइन वाइन होता नहीं है, डायरेक्ट काम करेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं। आप लोग बोलो भाई, स्टूडेंट है आप लोग, डायग्राम के बिना नहीं होता सर। एक एक लाइन का नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना वोल्टेज आता? वोल्टेज आता तो कब आता? जरूरी है इनपुट होगा तब ना। अभी देखो बहुत सारे सोल्यूशन डायरेक्ट रहते हैं, WTR डाल दो, चार्जिंग ऐसी डाल दो, लाइट ऐसी डाल दो, ग्राफिक ऐसी डाल दो, सीपीयू रिवॉल्व कर दो, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर सेट वापस वो चले जाता। हो गया तो क्यों हुआ ये नहीं मालूम रहता, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये नहीं मालूम। अभी आज हम पावर एसी देख रहे हैं, तो पावर एसी के अंदर इतने सारे सेक्शंस है, बताना नहीं है, इधर बताओ। पहले कभी मालूम था कि आप लोगों को? हाँ भाई, एक आईसी का हम निकाल रहे हैं, कोई भी एक सेक्शन डैमेज हो जाए तो अपने को क्या करना पड़ेगा? आईसी रिप्लेस करना है, तो क्यों करना है वो अपने को सीखना है। यहाँ पे अंदाजे पे आईसी डाल दे रहे हैं, हर एक में क्या काम चल जाएगा क्या वैसे? कभी एक कैपेसिटर इस लाइन से निकलने वाला ही शॉर्ट हो जाता, आप आईसी पे आईसी बदल रहे हैं, होगा क्या? कोई सीरीज में देखे अपन, क्लॉक सिग्नल में यहाँ पे 0 ओम्स का रजिस्टर, ये रजिस्टर कोई बच्चे निकाल देते, कोई शॉर्ट कर देते, क्या कोई निकाल के फेंक देते, बीप मार रहा बोल गया, तो काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना भाई। तो ये चीज सीखना है, तो जो सोच के आए थे मिल रहा आप लोगों को? थोड़ा आवाज नहीं आ रही, मिल रहा? ऐसा तो नहीं अंदर से दुखी है ऐसा? जिंदगी बहुत बड़ी है, एवरीडे सीखने का दिन है हमारा, और हम सीखते जाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि मुश्किल होगा सीखे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं एक एक चीज बताऊं नहीं तो, डायग्राम तो आपके पास पहले से था, बॉर्नियो भी था, गूगल पे भी था, पहले भी था, लेकिन पहले भी नहीं आ रहा था। अभी बहुत सारे बच्चे दो दो तीन तीन इंस्टीट्यूट जाके आए, सो भी है इसमें से, नाम तो नहीं ले रहा हूं मैं, तो वहां भी गए थे आप, वहां यहां में कितना डिफरेंस दिख रहा हो आपको? हाँ, तो अपन एक आईसी का डाटा शीट भी बनाना सीखे, एक एक बॉल पे क्या सप्लाई आती देख रहे ना, किधर इनपुट हो रहा, किधर आउटपुट हो रहा, किधर ग्राउंड मिल रहा, किधर आई टू सी सप्लाई आ रहा, SPI आ रहा, इनेबल सिग्नल से आईसी को काम करा रहे। तो ये नॉलेज नहीं रहा तो बना सकते क्या अपन? रात में बना रहे ना सब लोग डायग्राम्स, देखो यहाँ पे कितना अच्छा बना है इन्हों। तो ये चीज़ एक बार बनाना है आपको,
बार बार तो मनाना है नहीं, ठीक है? तो एक बार जोरदार सबके लिए क्लैप्स भाई, मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है भाई।